हमारी पार्टी की तरफ से आज की संसद चुनने के लिए हम दरखास्त किए हैं, मतलब मोशन पेश किया है कल। कल हमारा मोशन पेश होने के बावजूद ये प्रिंटिंग में नहीं आया हमारे पार्टी के नाम, लेकिन कल हम लोग मोशन पेश किए हैं और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मेघवाल साहब को भी सौंप दिए थे कल, लेकिन वो अब तक प्रिंटिंग में नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं लगता कि सबका नाम आए हम लोग का नाम नहीं है। ठीक है धीरेन्द्र जी, उसको देखते हैं। ठीक है, समय सीमा के सर, लेट मी क्लैरिफाई सर, मैं क्लैरिफाई करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी जी से और टीआर बालू साहब से भी रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने दिया, लेकिन उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थोड़ा डिले हुआ, इसीलिए 12:05 को वो पहुंच गया टेबल ऑफिस को, इसीलिए नहीं आए। फिर भी हम आपके तरफ से भी माननीय स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट करता हूं आपका मोशन मूव करने के अलो करें, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट की तरफ से। माननीय सदस्यगण, जिन सदस्यों ने शपथ नहीं लिया थी अथवा प्रतिज्ञा नहीं किया है, मैं सेक्रेटरी महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो सदस्य शेष रह गए हैं उनके राज्यवार उसी क्रम में यहां पर नाम आमंत्रित करेंगे। बिहार से श्री संतोष कुमार जी, कर्नाटक से श्री प्रज्वल रेवन्ना जी, उड़ीसा से श्री अनुभव मोहंती जी, मुँ अनुभव महंती लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वरों नाम शपथ करूछी जे मु विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखी, मु भारत सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखी, एवं मु जो पद ग्रहण करने को जाऊँगी ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करी। जय जगन्नाथ, जय ओडिशा, जय नवीन, वंदे उत्कल जननी। आइटम नंबर 2, माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में मुझे प्रस्तावों की 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन 13 सूचनाओं में से 3 सूचनाएं सभा पटल पर सूचनाएं रखे जाने के नियत समय के पश्चात प्राप्त हुई हैं। अतः श्री जयदेव गल्ला, अधीर रंजन चौधरी तथा टीआर पालू द्वारा प्रस्ताव संबंधी सूचनाएं प्रक्रिया नियमों के साथ के अनुसार कालातीत हो गई थी, लेकिन इनको एज ए स्पेशल केस मानते हुए उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है और वे कार्य सूची में उल्लेखित क्रम के बाद एक एक करके अपना नाम, प्रस्ताव और अनुमोदन दे सकते हैं। अब हम लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु प्रस्तावों को लेंगे। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने नाम के आगे उल्लेखित प्रस्ताव पेश करें। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं कोई सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री राजनाथ सिंह जी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। महोदय, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। श्री अमित शाह जी
निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं, उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री नितिन जयराम गडकरी जी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। सम्मान्य महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्री अर्जुन मुंडा जी प्रस्ताव करेंगे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ओम बिरला जो इस सदन के सदस्य हैं, अध्यक्ष के लिए उन्हें प्रस्ताव करता हूं। श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं श्री अर्जुन मुंडा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए का समर्थन करता हूं। सुश्री अगाथा संगमा प्रस्ताव करेंगे। नॉट प्रेजेंट। श्री अरविंद गणवन सामंत जी प्रस्ताव करेंगे। माननीय सामायिक अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय ओम बिरला जी का नाम इस सदन के सदस्य होने के नाते, इस खास करके इस सदन के अध्यक्ष के रूप में वो वहां निर्वाचित किए जाए, इसलिए मैं उनका नाम प्रस्ताव करता हूं। श्री विनायक राव जी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अरविंद जी सावंत जी ने ओम बिरला जी के नाम का जो प्रस्ताव रखा है उसे मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री पिनाकी मिश्रा जी प्रस्ताव करेंगे। श्री ओम बिरला जी का नाम अध्यक्ष पद के लिए यहां पर अनुमोदन करता हूं। श्री अच्युतानंद सामंत जी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। श्री सुखवीर सिंह बादल जी प्रस्ताव करेंगे। सर, आई बेग टू मूव दैट श्री ओम बिरला जी अ मेंबर ऑफ दिस हाउस बी चोजन एज अ स्पीकर ऑफ दिस हाउस। श्री चिराग कुमार पासवान जी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, श्री सुखवीर सिंह बादल जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए, मैं इसका समर्थन करता हूं। श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी प्रस्ताव करेंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सदन के सदस्य हैं को अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया जाए। श्रीमती अनुप्रिया पटेल प्रस्ताव का समर्थन करेंगी। महोदय, मैं श्री राजीव रंजन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। श्री डी वी सदानंद गौड़ा जी प्रस्ताव करेंगे। स्पीकर सर, मैं ओम बिरला का नाम समर्थन करता हूँ। श्री पी वी मिथुन डेट जी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। ओम जिला जी फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ दिस ऑनरेबल हाउस। थैंक यू। श्री प्रहलाद जोशी जी प्रस्ताव करेंगे। महोदय, मैं श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य है इस अध्यक्ष के रूप में चुना जाए ये प्रस्ताव करता हूं। श्री पी रविंद्र नाथ कुमार जी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। स्पीकर सर, आई सपोर्ट द मोशन मूव्ड बाय श्री प्रहलाद जोशी दैट श्री ओम बिरला हु इज द मेंबर ऑफ दिस हाउस बी इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। श्री जयदेव गल्ला जी प्रस्ताव करेंगे। सर, वी सपोर्ट श्री ओम बिरला जी एज स्पीकर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस। श्री श्रीनिवास केसरीनानी जी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। नॉट प्रेजेंट। श्री अधीर रंजन चौधरी जी प्रस्ताव करेंगे। महोदय, श्री ओम बिरला जी सदन के मेंबर है, आज अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए हमारी पार्टी की तरफ से उनका नाम हम प्रस्ताव करते हैं। श्री टी आर बालू जी समर्थन करेंगे। सर, आई प्रपोज ऑनरेबल ओम बिरला जी एज अ चेयर प्रपोज एंड सॉरी सपोर्ट सेकंड एंड सपोर्ट ओम बिरला जी एज अ स्पीकर ऑफ दिस हाउस। लेना। श्री टी आर बालू जी प्रस्ताव करेंगे। आपके दो आए हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, आई सेकंड ऑनरेबल ओम बिरला जी प्रपोज I propose the second Honorable Om Birla ji as the Speaker of this House
Shri Adhir Ranjan ji, second support karenge. I am seconding the proposal made by Mr. Balu ji wholeheartedly and sincerely. अब मैं श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा समर्थित प्रस्ताव को आपका नोटिस नहीं आया मौका दिया जाए सभी को मेरे सपोर्ट करने का मौका दीजिए देखिए आपको देंगे अभी आपका नोटिस नहीं आया सपोर्ट एक बड़ा विषय है देश में सपोर्टिंग के लिए आपको दिया जाएगा सपोर्ट हमें श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत श्री राजनाथ सिंह द्वारा समर्थित प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा करने का वर्ड सांग भी नहीं तो आप नाम बोलिए चलिए सुधीर जी बंदोपाध्याय जी प्रस्ताव करेंगे एज ए स्पेशल केस मतलब आपका नहीं नोटिस नहीं आया था लेकिन आपको एज ए स्पेशल केस के नाते आपको अवसर दिया जा रहा है प्रपोजल जाते हैं इस बार कुछ नहीं हुआ सो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल जी सुधीर जी आई प्रपोज द नेम ऑफ ऑनरेबल श्री ओम बिरला जी एज द स्पीकर ऑफ द हाउस एंड वी सपोर्ट इट वी सेकंड कर रहे हैं थैंक यू अब मैं श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा समर्थित प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा प्रश्न यह है कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं कोई सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए जो सदस्य पक्ष में हैं वो कृपया हां कहें जो सदस्य पक्ष में नहीं है वो कृपया नहीं कहें मेरे विचार से निर्णय हां वालों के पक्ष में हुआ है निर्णय हां वालों के पक्ष में हुआ है प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और श्री ओम बिरला को इस सभा के अध्यक्ष रूप में निर्वाचित घोषित किया जाता है चूंकि श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत प्रथम प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है अतः इसके बाद प्रस्तुत प्रस्ताव निष्प्रभावी हो गए हैं मैं श्री ओम बिरला को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी बिफोर टू दैट बिफोर ऑन प्रोसीजर मीन बिजनेस कुड बिगिन आई वुड लाइक टू थैंक श्री वीरेंद्र कुमार जी हु हैज डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज ए प्रोटेम स्पीकर एंड इन ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर हाउस And within 2 days,
He has completed the entire proceeding very smoothly. I profusely thank him on behalf of government and Honorable Prime Minister also. I also thank the panel of Pro Tem Speaker, Sri Suresh Ji, Sri Bhartahari Mahataj Ji, Sri Bhushan Charan Singh Ji, for their cooperation and sparing them their time. And I also thank Secretary General of Lok Sabha, under the guidance of Pro Tem Speaker, without going out for a single minute, she sat here along with all her staff, and within the time frame, under the guidance of Pro Tem Speaker and panel, she has completed the work. On behalf of the entire House, I thank all of them, and once again, I thank all the members for cooperation. Dhanyawad. Mananiya Pradhan Mantri. आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इस सदन के सभी सदस्यों के लिए यह अत्यंत हर्ष का और गर्व का समय है। आपको इस पद पर आसीन होते हुए देखने का इस सदन में पुराने सभी सदस्य आपसे भली भांति परिचित हैं। विधायक के रूप में भी राजस्थान में आपने जो सक्रिय भूमिका अदा की है उससे भी राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए लोग परिचित हैं। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि स्पीकर पद पर आज एक ऐसे व्यक्तित्व का हम अनुमोदन कर रहे हैं, सर्वसम्मति से उनको स्वीकृति दे रहे हैं, जो सार्वजनिक जीवन में विद्यार्थी काल से छात्र संगठनों से जुड़ते हुए यूनिवर्सिटी की छात्र गतिविधि का नेतृत्व करते हुए जीवन का सर्वाधिक उत्तम समय किसी भी प्रकार के ब्रेक के बिना अखंड अविरत समाज जीवन की किसी न किसी गतिविधि से जुड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी छात्र आंदोलन से निकल करके युवा मोर्चा के संगठन में करीब 15 साल तक जिले में, राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। मुझे सालों तक संगठन का कार्य करने का अवसर मिला है, उसके कारण मेरे एक साथी के रूप में भी हम दोनों को साथ में काम करने का अवसर मिला। और कोटा वो धरती है जो एक प्रकार से आजकल शिक्षा का काशी बन गया है। जिनके भी दिल दिमाग में कैरियर की प्राथमिकता है वो कोटा को पसंद करता है, कोटा में रहेगा, कोटा में पढ़ेगा और कोटा से अपनी जिंदगी बनाता है। राजस्थान के कोने सा छोटा सा शहर आज एक प्रकार से लघु भारत बन गया है, और कोटा का ये परिवर्तन जिस नेतृत्व के सामने हुआ है, जिसके योगदान से हुआ है, जिसके इनिशिएटिव से हुआ है, वो नाम है श्रीमान ओम बिरला जी। आमतौर पर राजनीतिक जीवन में हम लोगों की एक छवि बनी रहती है कि हम 24 घंटे राजनीति करते हैं, उठापटक करते हैं, तू तू मैं मैं करते हैं, कौन हारे कौन जीते इसी में लगे रहते हैं। लेकिन उसके अलावा एक सच्चाई होती है जो कभी कभी उजागर नहीं होती है। वर्तमान में देश ने अनुभव किया है कि राजनीतिक जीवन में जितना अधिक मात्रा में सामाजिक सेवा का प्रपोर्शन रहता है समाज में स्वीकृति ज्यादा मिलती है।
हार्डकोर पॉलिटिक्स का जमाना करीब करीब चला जा रहा है। ओम बिरला जी वो शख्सियत है जो जनप्रतिनिधि के नाते राजनीति से जुड़ना बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन उनकी पूरी कार्यशैली समाज सेवा केंद्रित रही। समाज जीवन के कहीं पर भी पीड़ा अगर उनको नजर आई तो पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में से रहे। मुझे बराबर याद है जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया, बहुत लंबे अरसे तक वे कच्छ में रहे, अपने इलाके के युवा साथियों को लेकर के आए, स्थानीय कोई व्यवस्था का उपयोग न करते हुए अपनी व्यवस्थाओं को जो भी उपलब्ध थी उसके आधार पर उन्होंने लंबे अरसे तक सेवा का काम किया। जब केदारनाथ का हादसा हुआ तो वे फिर उत्तराखंड में नजर आए, वहां भी अपनी टोली लेकर के समाज सेवा के काम में लग गए। और अपने कोटा में भी अगर किसी के पास ठंड की सीजन में कंबल नहीं है तो रात भर कोटा की गलियों में निकलना, जन भागीदारी से गर्म कंबल वगैरह इकट्ठा करना और उनको पहुंचाना। उन्होंने एक व्रत लिया था सार्वजनिक जीवन में, हम सभी सांसदों के लिए कभी कभी वो प्रेरणा देता है। उनका व्रत था कि कोटा में कोई भूखा नहीं सोएगा, और वे एक प्रसादम नाम की योजना चलाते थे, आज भी चल रही है। उस प्रसादम योजना के तहत जन भागीदारी से भूखे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनको खाना खिलाना, ये उनका रेगुलर काम बन गया। उसी प्रकार से गरीब है, दुखी है, अगर कपड़े नहीं है पूरे तो उन्होंने परिधान योजना बनाई। उस परिधान मूवमेंट के आधार पर वे जन भागीदारी से सामाजिक संवेदना से लगातार जुड़े रह करके, अगर किसी के पास जूते नहीं है तो जन भागीदारी से जूते इकट्ठा करना, गर्मी के सीजन में उसको जूते पहना देना, अगर कोई बीमार है कहीं रक्तदान का काम जरूरी है, कहीं अस्पताल में और सेवाएं देनी है, एक प्रकार से उन्होंने अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु जन आंदोलन से ज्यादा जन सेवा को बनाया। और ऐसा एक संवेदनशील व्यक्तित्व आज जब स्पीकर पद पर हम सबको अनुशासित भी करेंगे, अनुप्रेरित भी करेंगे, और उसके द्वारा ये सदन देश को उत्तम से उत्तम दे पाए, एक कैटलिक एजेंट के रूप में, एक पदासीन के जिम्मेवारी के रूप में, और सालों की सामाजिक संवेदना वाली जिंदगी जीते के कारण मुझे विश्वास है कि उत्तम तरीके से चीजों को कर पाएंगे। सदन में भी हमने देखा है वो मुस्कुराते हैं तो भी बड़े हल्के से मुस्कुराते हैं, वे बोलते हैं तो भी बड़े हल्के से बोलते हैं। और इसलिए सदन में मुझे कभी कभी डर लगता है कि उनकी जो नम्रता है, विवेक है, कहीं कोई उसका दुरुपयोग न कर दे। लेकिन आजकल तो, पहले तो ऐसा होता था कि शायद लोकसभा के स्पीकर को कठिनाइयां ज्यादा रहती थी, राज्यसभा के चेयरमैन को कम रहती थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है। हम जब पिछले सत्र को याद करेंगे तो हर किसी के मुंह से यह तो निकलेगा कि हमारी जो स्पीकर महोदया थी, हमेशा हंसते रहना, खुशखुशाल रहना, और डांटना भी है तो डांटने के बाद हंस पड़ता, लेकिन उन्होंने भी उत्तम तरीके से एक नई परंपरा को विकसित किया। इस सदन की तरफ से, ट्रेजरी बैंक की तरफ से, शासन में बैठे हुए सब जिम्मेवार मंत्रिपरिषद की तरफ से,
मैं अध्यक्ष महोदय आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके काम को सरल करने में हम जो भी भूमिका हमारे जिम्मे होगी उसको शत प्रतिशत पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और आपका हक बना रहेगा कि इस बेंच तरफ भी अगर नियमों का उल्लंघन होता है, व्यवस्थाओं में बाधाएं पैदा की जाती हैं, तो आपका पूरा हक बनेगा कि हमको भी, हमारे तरफ के लोगों को भी आप उतने ही मक्कमता से, आग्रहता से कहें, हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि सदन की गरिमा बनाना हम सबका योगदान रहना यह आवश्यक है। और मुझे विश्वास है, पहले तो 3-4 साल तो अच्छे जाते थे, चुनाव के वर्ष में थोड़ी गड़बड़ होती थी, लेकिन अब तब हर 3-4 महीने के बाद कोई एक चुनाव दिखता है तो लगता है कि यहीं से कुछ मैसेज देंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको भी तनाव जरा ज्यादा रहने वाला है। लेकिन फिर भी अच्छी चर्चा हो, उत्तम चर्चा हो, सब विषयों पर चर्चा हो, मिलजुल करके निर्णय हो, उसमें आपको पूरी तरह ये सदन भी योगदान करेगा, ऐसी एक आशा के साथ मेरी तरफ से, सदन की तरफ से, ट्रेजरी बैंक की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अधीर रंजन चौधरी जी। आदरणीय महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन के सामने आपका बायोडाटा पेश कर दिए हैं, तो उनसे और नया कुछ जुड़ने का जरूरत नहीं है। फिर भी कोटा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा है, कोटा की कचुरू भी बहुत मशहूर होते हैं, तो आप इस हाउस को जैसे खिचड़ी ना बने इसलिए कचुरी की तरह स्वादिष्ट कुछ हमें आप उपहार देंगे हर वक्त, ये आपसे बहुत बड़ा उम्मीद है हमारा। आप एक सोशल वर्कर तो है, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, इसके अलावा आप एक एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में किसानों की हालात बड़ी बुरी होते जा रहे हैं, हर रोज 36 किसान की खुदकुशी हो रहे हैं, तो इससे बचाने के लिए आप जरूर अपना पहल करेंगे। माननीय सदस्य, जब आपके दल के नेता बोल रहे हैं तो शादाई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हिंदुस्तान की आम नागरिक की तरफ से और हम सब की तरफ से ये पद पे आसीन होने के लिए आपको हम सब अभिनंदन व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हिंदुस्तान की जनता, 90 करोड़ हमारे वोटर थे, आप अचरज होंगे, सारे यूरोप और अफ्रीका महादेश मिला के जितने आबादी होते हैं उससे ज्यादा वोटर हिंदुस्तान में रहते हैं और उसमें 67% चुनाव में भाग लिया, लगभग 60 करोड़। और इससे और एक अचरज की बात यह कि मालेगांव जैसे अरुणाचल प्रदेश की अंजाव डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जहां एक ही वोटर है, वो वोटर के लिए, उनके वोट कलेक्शन करने के लिए 6 ऑफिशियल्स 2 दिन हिल में ट्रेकिंग करके और 6 किलोमीटर रास्ते पार होके उनको भी वोट दिलवाया। तो हमारा इस तरह की लोकतंत्र की गरिमा हमें बचाना रखना चाहिए। आपकी माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा दिलाता हूं कि हमारे पार्टी की नियत बड़ा साफ है, हम डिबेट, डिसेंट और डिसीजन में यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, लेकिन हमें हमारा जो मौका, ये मौका हमें मिलना चाहिए और पार्लियामेंट की तय तरीके से इसके गरिमा रक्षा करना आपका जिम्मेदारी होता है, क्योंकि यू आर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस हाउस, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, नॉट ओनली दैट, अकॉर्डिंग टू नेहरू यू रिप्रेजेंट द हाउस, रिप्रेजेंट द फ्रीडम, रिप्रेजेंट द नेशन, सो द डिग्निटी ऑफ द चेयर इज वेल मीन बाय यू ऑल्सो। सर, एक चीज आपको ध्यान में मैं लाना चाहते हैं कि पिछले दिनों
जो विधेयक यहां पारित होते थे, ये विधेयक को स्क्रूटिनाइज करने के लिए स्टैंडिंग कमिटी में ज्यादा विधेयक को नहीं भेजा जाता था। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये भी हाउस के गरिमा होते हैं। दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा ऑर्डिनेंस की रास्ता अपनाना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि शायद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक स्क्रूटिनी होना चाहिए, एक थ्रेड बेयर डिस्कशन होना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए। सर, मैं कांग्रेस पार्टी की जब प्राइमरी मेंबरशिप लेने गया तो हमारा प्राइमरी मेंबरशिप की जो शपथ पत्र थी उसमें लिखा गया था, ये कोई अगर कांग्रेस मेंबर अगर होने चाहते हैं तो उनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को और मजबूत करने के लिए शपथ लेना पड़ेगा। तो जिस दिन से हम लोग कांग्रेस पार्टी की शुरुआत की है प्राइमरी मेंबरशिप के जरिए, उसी दिन से हम ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए शपथ ले चुके हैं, और इसी शपथ के साथ ही अगले दिन हम पार्लियामेंट को चुस्त और दुरुस्त रहने के लिए हमारी तरफ से जितना हद तक जाना चाहिए हम जाने के लिए कभी हम इसको हम नकारेंगे नहीं, हम हिचकिचाहट कर नहीं करेंगे। सिर्फ मैं प्रधानमंत्री जी को और आप सबको एक छोटे से विषय पर मैं आपको सबको ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी बाहर कहते हैं कि अभी पक्ष और विपक्ष नहीं होगा, सिर्फ निष्पक्ष होगा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हिंदुस्तान की, ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, तो पक्ष विपक्ष के साथ बहुपक्ष भी रहेंगे, सिर्फ आपको निष्पक्ष रहना होगा। सर, आप ही सिर्फ निष्पक्ष हो ना सकते, क्योंकि ये चेयर इम्पार्शियल चेयर होते हैं। ये जब शपथ लेने शुरू हो गए थे तो कहीं जय श्री राम, कहीं अल्लाह अकबर, कहीं जय कली, ये तरीके से जो नजारा पेश हुआ था ये सही नहीं था। ये मैं अब व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, लेकिन ये मर्यादा की सवाल है इस हाउस की। सर, वही राम जो दशरथ की बेटा, वही राम जो घर घर में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे निहारा। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ला इलाही इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो सर, हमें इस तरीके की समाज बनाना चाहिए। जब एक छोटे से बात कहते हो, जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब पुजारी को मंदिर में रहमान नजर आए, दुनिया की सूरत बदल जाएगी, जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। सर, अंतिम में सर मैं आपके लिए कुछ मांगता हूं, आपके लिए कुछ मांगता हूं, प्राइम मिनिस्टर भी मांगा था, मैं भी मांगता हूं। खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते, सदा खुशियों से भरे हो तेरे रास्ते, हंसी तेरे चेहरे पे रहे इस तरह, खुशबू फूलों के साथ रहती है जिस तरह। धन्यवाद। टी आर बालू जी संक्षिप्त में। Honorable Speaker, sir, on behalf of my esteemed leader, a secular Indian, forerunner of social justice, a great son of great leader Dr. Kalingar Karunanidhi, Dr. Thalapathy M.K. Stalin, and on behalf of myself, the deep team of members of DMK party here in Lok Sabha, I profoundly welcome and wish you a great success in the days to come in the context of this temple of the democracy. Honorable Speaker, sir, considering your exemplary experience in Rajasthan Assembly and also in Lok Sabha, and also the friendliness with the fellow members, and the leadership will definitely add to the values of the exalted chair which you are sitting now, sir. Sir, you have been selected, the elected by the BJP party on lotus symbol. Lotus grows in water, lives in water, but water won't stick to the lotus. Keeping in mind, I could only say
as Lotus. Your party, the party which you have selected may be BJP, but at the same time, you should be impartial and see that everyone is taken together and proper justice and democracy should be rendered by you, sir. Sir, before I conclude, I will conclude quickly, sir. Before I conclude, I can only recite one couplet of Thirukkural. I quote, Saman say the Sirdukum Kolbol, Amindurval Koda Ami Sandor Kani. To hold the scales even and fair is the ornament of those who seek perfection in their rectitude. I hope you will be guided by the spirit of this Thiruvalluvar verse and see the house is running proper, smoothly and properly. Thank you very much. Deep Bandopadhyay. Honorable Speaker, sir, I welcome you on the chair as the Speaker of the House. The sanctum of the sanctorium of the Great House and the chair of the Speaker is somehow different position in the whole of the nation, to the whole of the nation. But according to my conception and according to my own faith, after being elected as MLA and MP more than 9 times, in the parliamentary proceeding system of the country, I still believe that parliament should belong to the opposition mainly, by which parliamentary democratic functioning can be more strengthened. What we feel that the brute majoritarianism sometimes affects the normal functioning of the house. And whether a house will run or function properly or not, it maximum depends upon the treasury bench side. If they feel, if the intention and desire of the Honorable Prime Minister, what he expressed today, that he is of the opinion that let all the discussions be held very peacefully, we want to assure you that we are very much in favor of the discussion takes place on the floor of the House. And when people have dictated and given their dictum that central government should be run by these parties, similarly state governments are also governed by the dictum of the people of that state. But in many times we find that the central government act like a government who can govern the whole country and is of the habit to send many directions, many advisories, even 2 advisories in 1 week. And when the state issues are raised on the floor of the House, these issues are raised on the floor of the House, then naturally ruling parties don't allow the smaller parties to convey their views on the floor of the House. So I would request you to look both the sides, left side and the right side. The very name Om Birla, the name has a speciality also, because the name always reflects. Many people ask me that whether he belongs to the category of the industrialist family of the Birla group. And naam ka pehle jiska Om hota hai, wo to khud bahut bada vishay hota hai. तो दोनों मिला के ओम बिरला नाम को एक यथार्थ प्रतिफलन आप हाउस में कराइए और दोनों तरफ का कॉन्फिडेंस दीजिए कि आप दोनों तरफ के साथ जाए. मैं आपको स्वागत करता हूं. श्री पी मुथन रेड्डी जी. सर, एट द आउटसेट आई ऑन बिहाफ ऑफ माय लीडर यंग चीफ मिनिस्टर श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी एंड द 22 मेंबर्स प्रेजेंट इन दिस हाउस heartfully congratulate you for assuming the post of this speaker in this august house. Sir, it's worth mentioning that you have started your career as a politician from your youth and from the college days,
You've been elected to the assembly thrice. You've been a parliamentarian. I mean, you won the parliament elections twice. It is a long and commendable career. Your rich experience politically will definitely help in running this house more efficiently. Sir, it's also worth mentioning that you've been into a lot of social service activities, especially Faridan, where we could see your compassionate and also your considerate. Sir, you have distributed a lot of free clothes, books, and even free food for the poor people. We hope all this rich experience and your good character will help you run this house efficiently. And like every member in this house, I once again congratulate you for assuming this post. Thank you, sir. Sri Arvind Samanji. आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष जी, पहले सर्वप्रथम मैं मेरी पार्टी की तरफ से और सभी की तरफ से आपका सह दिल से अभिनंदन करता हूं। और खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने ऐसा नाम चुना, उसके लिए आपका भी बड़ा अभिनंदन करता हूं। कि मैं भाग्यशाली रहा कि जब मैं सांसद बना तो सर्वप्रथम परिचय किसका हुआ, तो ओम बिरला जी का। हम दोनों एक गाड़ी में इकट्ठे आए यहाँ एयरपोर्ट से, बिल्डिंग में भी एक ही बिल्डिंग में हमें निवास मिला। अब परिचय दृढ़ हो गया और आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरा एक मित्र इतने बड़े उच्च पद पर बैठ रहे हैं और आपने उनका नाम प्रस्तावित किया, हमने भी प्रस्तावित किया, हमें उसका हर्ष है। मैं इतना ही कहूंगा, राजनीतिक भाषण तो आज करना नहीं, आज मैं सरकार में हूं और मैं चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा जो हमारी आदरणीय पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने जो बनाई रखी, उससे भी ऊंचे उठकर आप करेंगे। और मुझे विश्वास है आप में वो ताकत है, क्योंकि आप राजस्थान के कोटा के हो, क्योंकि आपके नाम में बाकी छोड़ो ओम है, वो सबसे महत्वपूर्ण है और वो ओम ही हमें न्याय दिलाएगा, क्योंकि वही दुनिया चाहती है कि सभी अमन चाहते हैं, सभी विकास चाहते हैं, सभी विश्वास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो चाहते हैं। और ये सदन इस तरह से चले कि पिछली बार जो कुछ हुआ छोड़ दो, छोड़ो कल की बातें, अब आज की जो करना है वो हिंदुस्तानी बनकर करना है और हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ाना है। हिंदुस्तान की इस सदन की गरिमा और ये दुनिया को भी समझने में आप अच्छा रोल अदा करेंगे, मुझे विश्वास है। मैं फिर दिल से आपको शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। राजीव रंजन सिंह जी। महोदय, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से इस पद पर आसीन होने के लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। महोदय, आपका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, छात्र आंदोलन से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपका जो सांगठनिक अनुभव है और जो विधानसभा में आपका अनुभव रहा और इस सदन में जो आपका अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर हम सबों को पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपके नेतृत्व में, आपके दिशा निर्देश में, आपके संरक्षण में यह सदन एक सकारात्मक भूमिका भविष्य में निभाएगा, यह आशा और विश्वास हम सबों को है। और इसलिए पुनः आपका हम अभिनंदन करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं हम अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से, कि आपको पूर्ण सहयोग इस सकारात्मक भूमिका निभाने में आपको पूर्ण सहयोग हमारी पार्टी का प्राप्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आपका अभिनंदन करते हुए आपका अभिनंदन। श्री पिनाकी मिश्रा जी। आदरणीय स्पीकर महोदय, बीजू जनता दल की तरफ से हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज केवल बीजू जनता दल ने ही नहीं, हाउस के सभी सेक्शंस ने आपके नाम का अनुमोदन किया, सेकंड किया। आपकी एक्सेप्टेबिलिटी का ये एक बहुत बड़ा कारण है। आदरणीय स्पीकर महोदय, इस हाउस की बहुत बड़ी परंपरा रही है, 17वीं लोकसभा है ये। सिर्फ प्रथम लोकसभा को छोड़कर 16 बार आज तक कभी यहाँ निर्वाचन नहीं हुआ है स्पीकर। एक मिनट भाई, शांत। स्पीकर के पद के लिए इसका कारण है कि ये पद इतना निष्पक्ष पद है, इसकी वजह से। और पहली बार भी जब हुआ था इलेक्शन, तो टोकन एक रेजिस्टेंस किया था लेफ्ट फ्रंट ने,
लेकिन लेफ्ट फ्रंट के कैंडिडेट ने भी मावलंकर जी के लिए वोट डाला। क्रशिंग मेजोरिटी थी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, लेकिन लेफ्ट फ्रंट के कैंडिडेट ने डाला कांग्रेस पार्टी के लिए वोट और कहा बाहर आके कि मैंने इसलिए डाला बिकॉज दिस इज अ बाईपार्टिजन हाउस एंड ए बाईपार्टिजन स्पीकर, सो देयरफॉर देयर शुड बी नो क्वेश्चन ऑफ एनी इलेक्शन इन दिस। तो इसलिए स्पीकर महोदय हम बहुत प्रसन्न है कि आपने ये इतना बड़ा पद संभाला है। प्रधानमंत्री जी ने तो आज 3 बजे सभी नेताओं को बुलाया, नवीन पटनायक जी भी यहाँ आ रहे हैं दिल्ली। वेज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट पहला उनका एजेंडा है। बीजू जनता दल की तरफ से मैं आपको यह आश्वासन दे दूं, और आपने 14 और 19 के बीच में जहां पे आप यहां सदस्य रहे हैं देखा होगा कि हम सबसे कम आपको तकलीफ देंगे। हम कभी हाउस चलते हुए आज तक कभी हमने वेल का चेहरा नहीं देखा है कि वेल को फील नहीं किया है। तो हम कभी वेल में नहीं आते हैं, हम कभी हाउस डिसरप्ट नहीं करते हैं। हम केवल जो नवीन पटनायक जी ने हमें सीख दी है कि आप हाउस में डिबेट और डिस्कशन करिए, डिस्रप्शन नहीं, ये हमारा थ्रू आउट मोटो है। तो हमारी तरफ से आपको कभी कोई यहाँ हाउस में तकलीफ नहीं होने वाली है। सिर्फ दो छोटी बातें, एक सबसे बड़ी बात कि जो स्टैंडिंग कमिटी का महत्व है वो आप जानते हैं। आप 8 से 13 के बीच में वहाँ रहे हैं विपक्ष में, बहुत बहुत ही मेधावी विपक्ष के आप वहाँ पर लेजिस्लेटर थे। आपने क्वेश्चन आवर में सरकार की वहाँ पर बिल्कुल तहस नहस कर दिया था सरकार को वहाँ पर। तो आप जानते हैं कि स्टैंडिंग कमिटी में जो लेजिस्लेशन जाना चाहिए स्क्रूटनी के लिए वो बहुत कम हो गया है, और पर्टिकुलरली पिछली सरकार में पिछली 14 से 19 के बीच में ये सबसे कम तय पर आ गया है। तो ये सही बात नहीं है, स्टैंडिंग कमिटी की स्क्रूटनी इस हाउस के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बात मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और आज के संदर्भ में ये उनके जो वाक्य हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इस हाउस में कहा था मावलंकर जी के समय में कि वी वुड लाइक दी, मैं कोट कर रहा हूँ, वी वुड लाइक द डिस्टिंग्विश्ड ऑक्यूपेंट ऑफ दिस चेयर नाउ एंड ऑलवेज टू गार्ड द फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ दोज फ्रॉम एवरी पॉसिबल डेंजर, इवन फ्रॉम द डेंजर ऑफ एन एग्जीक्यूटिव इनकर्जन। देर इज ऑलवेज दैट डेंजर फ्रॉम अ नेशनल गवर्नमेंट दैट इट मे चूज टू राइड रफ शॉड ओवर द ओपिनियंस ऑफ अ माइनॉरिटी, एंड इट इज हियर that the honorable speaker comes to protect each single member or each single group from any such unjust activity by a dominant group or a dominant government. bahut dominant sarkar hai aaj, bahut dominant government hai aaj, hum aasha karte hain ki aap hame protection denge. bahut bahut dhanyawad. main maniye vaktaon se aagrah kar raha hu ki woh sanshipt mein apni baat kahe. श्री श्याम सिंह जी यादव, माननीय अध्यक्ष जी, आप इस भारत जैसे महान देश के और एक बहुत गरिमामय पद पर अध्यक्ष चुने गए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और सारे साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि आप गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं, जिसके जो भूखे हैं उनको खाना खिलाना और जिनके पास ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं हैं उनको कंबल बंटवाना और राजस्थान के कोटा में शिक्षा के स्तर को सुधारना और शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। हम आपका सुन करके आपके इस सेवा भाव से बहुत प्रभावित हैं और इसका अनुकरण हम भी करना चाहेंगे। हम पहली बार आए हैं इस संसद में, लेकिन प्राय देखा जाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो हर काम अपना, हर बिल, हर अमेंडमेंट, हर चीज करवा लेना चाहती है, और जब कभी विपक्ष के लोग उसका अपोज करते हैं तो अपने सत्ता के बल पर ही उसको पारित कराना चाहती है और उसको एक तरह से कहिए उस बिल को ठेल देना चाहती है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि विपक्ष को कभी ऐसा मौका न मिले जिससे कि लगे कि हमारे माननीय अध्यक्ष द्वारा हम लोगों के साथ कोई अन्याय किया जा रहा है। मैं कुछ बातों को उठाना चाहूंगा, जो प्रथम बार के सांसद चुन के आए हैं उनको थोड़ा आप ज्यादा से ज्यादा मौका अपनी बात को कहने का दीजिएगा। आप
हमारे संरक्षक हैं, गार्जियन हैं, आप हमको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, कुछ हमको हमसे गलतियां भी हो सकती हैं, आपको डांटने का अधिकार है और हर तरह की कार्रवाई करने का अधिकार है, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करने का अधिकार है, लेकिन थोड़ा सा उसको मुस्करा कर करेंगे तो हमको हम लोगों को बहुत खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपको बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं। श्री नवा नागेश्वर राव जी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हमारा पार्टी टीआरएस का पार्टी, हमारा अध्यक्ष से, हमारा हम लोगों का तरफ से, हमारा मेंबर का तरफ से अभिनंदन है। स्पीकर साहब, आपका बारे में हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से पूरा अपना हिस्ट्री बता दिया है, हम लोग तो कुछ लोगों को इतना मालूम नहीं था, बस आज का दिन में आपका बारे में बोलने के बाद बहुत खुशी का बात है। आप एक आम आदमी का नेता है, आप एक सोशल वर्कर है, आप एक किसान का बेटा है, इतना क्वालिटी का साथ आज के दिन में ये पद में बैठने का बाद हम लोगों का हाउस को सब आदमी का इच्छा यही है, सब लोगों को जो है ना न्याय मिलेगा। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाउस का बाहर बताया था, ये हाउस में चुनने का चुन के आने का बाद नंबर से कोई मतलब नहीं है, सबको न्याय मिलेगा। जो प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर बताया, अंदर आप बैठा है, हम लोग सब चाहता है जिस तरह से जो है ना आपका नाम सुनते हुए सब लोग आके सब इकट्ठा से जो है ना आपका नाम को जो है सपोर्ट किया है, उसी तरीके से हम लोग का सब पार्टी लोगों को छोटा हो बड़ा हो सबको जो है ना न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलेगा बोल के हम लोग का सबका उम्मीद है। उस उम्मीद के साथ हम लोग जो है ना आपको धन्यवाद करना चाहता है, आपको जो है ना आगे ये हाउस को ये हाउस में जितना आदमी लोग बैठा है सब लोग आपका बच्चा है, ये हाउस को पालने का जो है ना आपको मौका मिला है वो चेयर में बैठते हुए, सबको न्याय मिलेगा बोलकर धन्यवाद। श्री चिराग पासवान जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, मैं जानता हूं आप निरंतर इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग संक्षेप में आपके बारे में बोलें, पर आपका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उसको संक्षेप में समेटना मुझे लगता है हम सबके लिए मुश्किल हो रहा है। पर मैं धन्यवाद दूंगा सर आपका कि आपने मुझे ये अवसर दिया। आपके बारे में सर कुछ भी कहना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। पर सबसे पहले सर, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी की तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आपको बधाई देता हूँ, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और सर, साथ ही मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस पद के लिए सर्वश्रेष्ठ नाम का प्रस्ताव हम लोग के समक्ष रखा, पूरे सदन में इस नाम का समर्थन किया, मैं उसके लिए पूरे सदन का भी धन्यवाद करता हूँ। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इस अनुभव का लाभ हम सबको तो मिलेगा ही, पर खासतौर पर मेरे जैसे जो युवा सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, आपके एक लंबे राजनीतिक करियर का हम लोग भी सर अध्ययन करते हैं, छात्र राजनीति से लेकर युवा राजनीति, और जिस तरीके से निरंतर आपने समाज सेवा की है, हम जैसे युवा सांसदों के लिए भी आप प्रेरणा के स्रोत हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि निरंतर हमें आपके इस अनुभव का लाभ मिलेगा, इस उम्मीद के साथ कि सर जितनी हमारी छोटी पार्टियां यहाँ पर मौजूद हैं आपको उनका संरक्षण भी मिले, हमें भी मौका दिया जाए अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा रखने का, इस बात का मुझे विश्वास है। सर, इस मौके का मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा पूर्व हमारी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन जी को, जिस तरीके से उनका योगदान रहा है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनके इस योगदान के लिए उनको भी धन्यवाद करता हूं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में सर आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से सुचारू रूप से सदन चले उसमें संपूर्ण योगदान आपको हमारी तरफ से मिलेगा। पुनः आपका स्वागत, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद सर। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। I take this opportunity to congratulate you. आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के आज आप एक बड़े पदवी पर बैठे हैं और आपके साथ काम करने का मुझे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो संविधान चांस मिला, मुझे याद है दूसरी बार आप अनअपोज्ड आ रहे हैं,
पहली बार जब आप चुन के आए लोकसभा में और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का इलेक्शन था, तो शायद आप पहले ट्रेजरर है जो अनोपोज चुन के आए, और उसके बाद ये दूसरी बार हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है। एक सांसद की तरह आपके साथ भी काम करने का मौका मिला। एनसीपी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मालवनकर जी, सोमनाथ चैटर्जी जी, संगमा जी, इतने बड़े लेजेंड्स इस कुर्सी पे प्रदान हुए और देश को दिशा दिखाई है, तो मेरा विश्वास है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जब स्टेट्स में कुछ अड़चने आती है तो आपकी तरफ, पार्लियामेंट की तरफ वो देखते हैं, तो आपके 5 साल में स्टेट्स को भी बहुत, आप एक आदर्श एक पार्लियामेंटेरियन और स्पीकर की तरह काम करेंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री फारूक अब्दुल्ला जी, मैं आपको अपनी पार्टी की तरफ से मुबारक करता हूं। पहले जब पार्लियामेंट में आया था तो जाखड़ साहब हमारे स्पीकर बने थे, उन्होंने बाप की तरह इस पार्लियामेंट को चलाया और हम सबको सुना और मौका दिया सबको कि वो अपने अपने क्षेत्र की और वतन की तरफ से भी कह सके। पिछली स्पीकर सुमित्रा महाजन जी ने भी माँ की तरह इस हाउस को चलाया और कोशिश की कि सबको सुने। आज उम्मीद यही करता हूँ कि आप राजस्थान से हैं जहाँ मैंने पढ़ा है और मैंने सीखा है, और उम्मीद यही करता हूँ कि आप हम सबको मौका देंगे कि हम अपनी बात रख सकें और एक मजबूत वतन बना सकें। मैं फिर से अपनी जमात की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस हाउस को चलाएंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे और हम आपको पूरी तरह से हिमायत देंगे। शुक्रिया। श्री पी के कुनल कुट्टी जी, आई ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी IUML विच हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्युलर record in working in this parliament, also outside this parliament. Maybe many new members are not aware of the fact that IUML, a strong secular party which is part of this alliance of secular allies in Kerala and Tamil Nadu and elsewhere also. So I assure all cooperation from our party's side to you. You, as we heard here, has a very strong record of public work and working record for the poor and all that. I hope that in working in this house, you also will try to giving time and all that to the opposition. House disruption happens when we feel that the feelings of the people are not taken into consideration. Sometimes legislation comes, business comes from that side, which we feel that it is casually being done, which is not seriously considering the feelings of many people. There are people who doesn't have much voice in this house. They include the backward, minorities. So when legislation is being passed here, government should take that also into consideration. Otherwise, disruption will come. Otherwise, shouting will come. That is how it happens many a time. So I hope in the future, with this big majority of this present ruling government, they will take into consideration that the Prime Minister's statement of late statement that number doesn't matter, but what matters is the feelings of everybody. Everybody includes every section of the people. So I hope that a casually legislation will not come to this house for consideration. Such initiatives always create a problem. If you take us
seriously, the government takes seriously, it is the duty of the Honorable Speaker to attend to that also, I feel. I congratulate, like this opportunity to congratulate the Honorable Speaker in your selection. That too, unanimously, I assure all cooperation my party sent you. Sri K. Ra Mohan Naidu. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अपने पार्टी तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से, अपने अध्यक्ष और अपने सारे सांसदों की तरफ से आपके हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हैं। आपका जो अनुभव रहा है वो पहले ही सारे पार्टियों की तरफ से सब लोगों ने बोल रखा है, और फिर से हम भी अपना विश्वास आपके ऊपर जो ये सदन ने रखा है, एक बहुत ही अच्छा माहौल बना है आज। हर बार जब एक अध्यक्ष जी का निर्वाचित करने का जो हिस्सा रहता है, ये सदन को भी एक अच्छा मौका मिलता है कि किस दशा में आगे बढ़े, क्योंकि सब लोगों ने अभी अभी हमने देखा है कि निष्पक्षता से सब लोगों ने एक साथ मिलकर उस सदन की गरिमा को आगे बढ़ने के लिए, उस पद में जिसमें आप बैठे हैं उसका एक गौरव सम्मान करने के लिए एक ही जुट में आकर सब लोगों ने सपोर्ट किया, और उसी के साथ हम भी यही कोशिश कर देंगे ये 5 साल में कि ये देश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी या सरकार कोई भी काम ऐसा करे, हम जरूर उनके साथ निभाएंगे। और हमारी आपसे यही विनती रहेगी, आपने पहले सत्र में भी हमें देखा है और हमारे जरूर संख्या कम हुई है, पर समय कम मत कर देना सर। ये इस बार जो समस्याएं हैं हमारे, वो काफ़ी सारे समस्याएं हमारे राज्य के भी हैं, देश के भी काफ़ी समस्याओं में हम अपना बात आगे रखना चाहते हैं, तो ज़रूर एक उम्मीद है आपके ऊपर जो एक प्रत्येक ध्यान जो पिछले सत्र के जो अध्यक्ष जी थे सुमित्रा जी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि एक प्रत्येक ध्यान हमारे युवा सांसदों के ऊपर उनका था। हर बार जब भी हम बोलना चाहते थे तो हमें बहुत एंकरेज किया, हमें बहुत मोटिवेट किया, और ये बाकी सारे जो चिराग पासवान जी ने भी जो आग्रह करी है वो फिर से मैं दोहराता हूँ कि जो युवा सांसद हैं उनको जरूर अच्छा सा मौका मिले, और हमारे जो छोटी पार्टियां हैं उनको भी एक अच्छा मौका देकर आपके ऊपर जो संविधान को कायम रखने का और जो संविधान को अहम शक्ति आपके ऊपर जो ये सौंपा गया है, हमें पूरी विश्वास है, आशा है कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से कोटा ने बहुत सारे विद्यार्थियों का नाम रोशन करने का एक मौका दिया है, उसी तरह आप वहां से आकर इस सदन का भी नाम रोशन करने का एक अच्छा सा एक माहौल आप आके रखेंगे। इसी के साथ हम फिर से आपको अभिनंदन करते हुए तेलुगु देशम पार्टी से आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी अपना दल की ओर से आपका हृदय पूर्वक अभिनंदन करती हूँ। ये गौरव का विषय है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस सदन के अध्यक्ष पद पर विराजमान होकर आप आज से 5 वर्षों के लिए इस सदन का संचालन करेंगे और हम सभी को आपका मूल्यवान मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज से आपको एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व मिल रहा है संसदीय परंपराओं के संरक्षण का। हम सब तो अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों का, अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आप इस सदन के पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, और आपका तो आसन भी ऐसे स्थान पर बनाया गया है कि आपकी दृष्टि हम सब पर है और हम सब आपके लिए बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस सदन में बहुत सारे ऐसे दल हैं जो 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य के साथ आए हैं। मेरी पार्टी भी 2 सदस्यों के साथ यहाँ पर उपस्थित है, और हमारे जैसे दलों को सबसे ज्यादा आपके संरक्षण की आवश्यकता है ताकि आपके माध्यम से हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके। मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से आती हूँ जहाँ की बहुत बड़ी आबादी है, बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, और मेरी पार्टी समाज के दबे कुचले पिछड़े दलित समाज की आवाज़ है। आपके माध्यम से मेरा यही आग्रह है कि मेरी पार्टी को पर्याप्त अवसर मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके संसदीय अनुभव के बारे में बहुत कुछ विस्तार से बताया है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहती। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस सदन के सर्वप्रथम अध्यक्ष श्री मावलंकर जी और उनके बाद के रहे सभी अध्यक्षों ने जिस महान विरासत को यहाँ पर बनाया है, आपके कार्यकाल में वो विरासत आगे बढ़ेगी। हम सभी सदस्यों को आपके माध्यम से इस संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा। मेरी पार्टी की ओर से
मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि सदन के सुचारू संचालन में हमारा पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आपके कार्यकाल में, आपके यशस्वी कार्यकाल में इस सदन की गरिमा और आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वक्ताओं की लिस्ट बहुत है, एक एक मिनट में अपनी बात को कहने सबको मौका मिल जाए। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप एक अजीम ओहदे पर आज फायज हुए हैं। वजीर आजम ने अपने तारुफी कलमात में आपके बारे में बताया है और मैं अपनी जानिब से आपको, अपनी पार्टी की जानिब से अपना पूरा ताउन पेश करता हूं। और सर, मैं आपको बड़ी एक बात याद दिलाना चाहता हूं बड़ी हम्बुलनेस के साथ कि जिस अजीम ओहदे पर आप आज फायज हैं, मेरी आपसे उम्मीद है और गुजारिश है कि हमारे मुल्क की जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, आप उसकी हिफाजत करेंगे। सर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप यकीनन काबिल हैं कि बरतानिया की जमहूरियत में, उनके शुरुआत के दिनों में, जमहूरियत की और पार्लिमानी निज़ाम की आज़ादगी को हिफाजत के लिए कई स्पीकरों ने बादशाह वक्त के आगे अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। इसीलिए उस हाउस ऑफ कॉमन्स में जब स्पीकर का इंतखाब होता है तो स्पीकर को घसीट कर लाया जाता है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप यकीनन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मगर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट एक मोनार्क ना बन जाए, इसलिए आपको एक बहुत बड़ा रोल निभाना पड़ेगा। सर, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, आपको याद भी दिला रहा हूं कि आप इस हाउस के रेफरी हैं, आप रेफरी बने रहेंगे, आप गेम का हिस्सा नहीं बन सकते। सर, आखिरी बात यह है कि आप राइट साइड से आए हैं, आइडियोलॉजी भी राइट हो सकती है, मगर आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि लेफ्ट साइड भी नजर करम करते रहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि अब आपकी आइडियोलॉजी यकीनन कॉल एंड शकदर होनी चाहिए और इस पार्लियामानी निजाम को हम बेहतर से बेहतर चलाएंगे। आखिर में सर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बड़ी हम्बुलनेस के साथ कि आपकी अख्तियारात बहुत ज्यादा हैं। आर्टिकल 92 और 97 आपको इंडिपेंडेंट करार देता है और सर, डिस्क्रिशनरी पावर्स आपके बहुत ज्यादा हैं। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जब आप अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे तो जरूर इस बात का ख्याल रखिए कि मैं जो फैसला करूंगा उससे डिबेट होगा या इस हाउस को स्टाइफल कर दिया जाएगा। सर, स्टैंडिंग कमेटी के बारे में मौजूद रुकुन ने कह दिया है, अगर कोई मंत्री आकर आपसे कहेगा कि मुझे जल्दी इस बिल के पास कराने के लिए, तो सर ये आपके उस अजीम चेयर की तोहीन होगी क्योंकि पार्लियामानी निजाम में स्क्रूटनी बहुत ज्यादा है। इसीलिए सर, मैं सुप्रीम कोर्ट ने कोहिटो ओलोहान में कहा था कि द स्पीकर इज द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रोपराइटी एंड इम्पार्शलिटी। सर, हम हिजब इख्तलाफ से तारुफ रखते हैं, हम उम्मीद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि हमको खुलकर इस हुकूमत पर तनखीद करने का मौका मिलेगा, हमारी आवाज की हिफाजत करेंगे। आप प्रोटेक्टर भी हैं सर, आप हमारी सपोर्ट भी करेंगे। मैं फिर से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, शुक्रिया। सुखवीर सिंह जी बादल। स्पीकर सर, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ पंजाब एंड श्रोमणी अकाली दल, आई लाइक टू कंग्रेचुलेट यू। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड योर लाइफ। Sir, you being a farmer, social worker, and have spent 27 years in public life, you are fully aware of the problems of the people. You are connected to the grassroots. Sir, this parliament represents 1.3 billion people, approximately 17% of the world population. Sir, the only problem here is numbers counts. The higher the number, the more say you have, the lower the number, the less say you have. Sir, there are about 10 states and 6 regional union territories which have less than 5 members of parliament. Sir, regional parties and minorities always have less numbers in this house. So we all have full faith in you. We all feel, you being a neighbor of Punjab, you know the issues. I will request you, sir, the minorities, regional parties and states with smaller numbers should be given more time to, so that they can express their views, because their views, their problems may be bigger than other bigger states,
But because of the time allocation, I would request you, sir, that smaller states should be considered. Once again, I thank you very much. Sri P. Ravindranath Kumar. Honorable Speaker, sir, Vanakkam. I place on record my sincere thanks to Honorable Purachitalavi Amma for the benevolent blessings for which I am privileged to be a member of Parliament representing Theni Parliamentary Constituency. On behalf of the AIADMK party leaders and on my own behalf, I wholeheartedly congratulate you for becoming the presiding officer of this august house. Sir, I see in you a seasoned parliamentarian, an ardent social worker, and a simple human being who has the connect with the masses. I extend my best wishes to you, sir. I am a beginner, but I hope that with the able guidance of senior and seasoned leader like you, I can make a big difference. Sir, Tamil Nadu has always been a progressive state. The law-abiding people of my state, Tamil Nadu, are so much patriotic and hard-working. They put nation and language before everything else. The government of Tamil Nadu and the people of my state see and aspire for overall and multifaceted development of the country. Perarengir Anna guided us to see God in the smile of a poor man. Purachi Thalaivar MGR, throughout his life, worked relentlessly for the welfare of the poor. Purachi Thalaivi Amma successfully implemented several welfare measures for the upliftment of the poor. Honorable Speaker, sir, I see in you a philanthropist who has always been kind and helpful to the poor. Sir, your simplicity and affection towards the humanity have made you rise up the ladder to occupy to this high post. Sir, while extending my heartfelt and sincere wishes to you, I seek your valuable guidance in effectively fulfilling my parliamentary. Sir, we have so much expectation from the Union Government led by an ever-inspiring leader, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. We are happy to be an ally of National Democratic Alliance, which swept the recent election and came to power at the center. Sir, I will be an ambassador and a tool in bridging the gap, if any, between the Union Government and State Government of Tamil Nadu. I am full of hope that our genuine demands will get due attention and be fulfilled. I am thankful to Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister of Tamil Nadu. I also extend my heartfelt congratulations to all members of this House of People. I look forward to work closely with each one of you and get your valuable guidance and unwavering support. Thank you so much for this opportunity. Thank you, Mother India. Vanakkam. मैं माननीय सदस्य जी से फिर आग्रह करूंगा कि वह संक्षिप्त में अपनी बात को कहें. श्री हनुमान बेनीवाल जी. माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर आज आप इस सर्वोच्च पद पर विराजमान हुए हैं. मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और पूरी आरएलपी पार्टी की तरफ से और पूरी राजस्थान की जनता की तरफ से, पूरे देश के नौजवानों की तरफ से आपको बारंबार बधाई देता हूं. आप राजस्थान की विधानसभा के अंदर दो बार मेरे साथ विधायक के रूप में विराजमान हुए, और एक बार आपने जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय जब किसानों जवानों पर अत्याचार हुए तो आपने सड़कों से लेकर विधानसभा तक मजबूत लड़ाई लड़ी. और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आपके बारे में बताया कि आप छात्र जीवन से विधानसभा और विधानसभा से लोकसभा और लोकसभा से लोकसभा के अध्यक्ष पद पे विराजमान हुए, ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है. आज राजस्थान की मिट्टी धन्य हो गई, देश के जवान धन्य हो गए, सब अपने आप को ये आसानी महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ओम बिरला जी जो यूथ आइकन के रूप में जाने जाते थे राजस्थान के अंदर, आज देश की सबसे बड़ी पंचायत के मुखिया के रूप में आप विराजे हैं. निश्चित रूप से
हमारी जो छोटी पार्टियां, वैसे तो हम सत्ता पक्ष के साथ एनडीए के घटक दल के रूप में हमेशा सपोर्ट सरकार को ही करते रहेंगे, लेकिन जहां जवानों किसानों के मामले आएंगे तो आप हम छोटी पार्टियों को भी संरक्षण देंगे। आज पूरा राजस्थान गौरवान्वित है और पुणे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृहमंत्री जी दोनों को इस बात का धन्यवाद हमारी तरफ से कि इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इस देश ने जब सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से जब कल जानकारी मिली कि ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष होंगे तो हर कोई इस बात को लेके बहुत ज्यादा खुश था कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने छात्र जीवन से लेके विधानसभा और अब लोकसभा, और लोकसभा के अंदर भी लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर संघर्ष, जिसने सड़कों से लेके राजस्थान की सड़कों से लेके विधानसभा और लोकसभा के अंदर अच्छे पार्लियामेंटर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वो देश के सर्वोच्च लोकसभा अध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए, तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर हर्ष का माहौल है। और ये जो मेरे साथ राजस्थान के सांसदगण विराजमान है, रामचंद्र बोरा जी, राहुल कसवान जी, अरविंद, एक मिनट इनका भी साथ ही दे दो साहब, ने अलग पर्ची भेजेंगे आपको, अरविंद शर्मा जी, नियाल जी, सीपी जोशी जी, बालकनाथ जी, इन सब की तरफ से भी बधाई, सारे राजस्थान के सांसदों की तरफ से बधाई। आप हमारा ध्यान रखना और हम सब मिलके एक नए देश का निर्माण करेंगे और मोदी जी के सपनों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। श्री एन के प्रेमचंदन जी। वेरी मच सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल I congratulate you on behalf of my party RSP in assuming the highest office of democracy, of the biggest democracy in the world. Sir, I firmly believe that 25 years of your experience as a legislator will definitely give fruitful result to the democracy, to the parliamentary democracy of this country, especially the 17th Lok Sabha. Sir, my humble suggestion before you that the speaker has a very important role in protecting the democratic rights of the members of the opposition so as to have a healthy democracy in our country. And this Lok Sabha, this house has a long tradition of having respecting and recognizing the sentiments of the opposition members. That is a long cherished tradition of our house. I would like to quote Pandit Jawaharlal Nehru, as rightly Mr. Piyangi Mishra has quoted the rest of it. Sir, I quote, the speaker represents the house. It is a famous quote of Pandit Jawaharlal Nehru. She represents the dignity of the house, the freedom of the house, and because the house represents the nation. In a particular way, the speaker becomes symbol of the nation's freedom and liberty. Therefore, that should be an honored position. The free position and should be occupied always by persons of outstanding ability and impartiality, unquote. Sir, I hope that definitely the chair held by your good office, definitely you will be able to have an impartial manner. And I fully support the observations made by the Honorable Prime Minister on the first day of or the opening of 17th June, there is an active and effective opposition is required in having a good democracy. We fully support, we will be very active, we will be very effective, but we appeal to the governor. Last session in the 16th Lok Sabha, I have moved more than 500 amendments, but none of the amendments have been accepted or recognized or received by the government. So kindly review the position. The government has to review any suggestion coming from the opposition may be accepted. If it is constructive and useful to the nation, kindly accept it. Such a constructive mechanism has to be taken up by the government, at least in the 17th Lok Sabha. And also I would like to conclude with felicitations with another suggestion. Sir, regarding the Dr. Murali Manohar Joshi has added by a panel, parliamentary panel, as per Article 98.2, we have to maintain the independence of parliament. In order to have the independence of the parliament, there is a suggestion to have an urgent legislation to regulate the recruitment of the staff of the parliament. That is pending law. Sir, I humbly submit before you can create a history in having an urgent legislation so as to regulate the recruitment of the staff of the parliament so that the independence of the parliament can be maintained. With these words, once again, I conclude with heartiest congratulations for assuming this office. Thank you very much. Sri Ramdas Atawale. Ji. आज उपस्थित सभी हमारे सभी पार्टी के एनडीए के यूपीए के और सभी मेंबर यहां मौजूद है।
और ये आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़े खुशी का दिन है कि आप अध्यक्ष पद पर विराजमान हो गए हैं। तो एक देश का नाम है रोम, एक देश का नाम है रोम, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं बिरला ओम। लोकसभा का आपको अच्छी तरह चलाना है काम, लोकसभा का आपको अच्छी तरह चलाना है काम, वेल में आने वालों का ब्लैक लिस्ट में डालना है नाम। नरेंद्र मोदी जी और आपका दिल है विशाल, नरेंद्र मोदी जी और आपका दिल है विशाल, राहुल जी आप अब रहो खुशहाल। हम सब मिलकर हाथ में लेते हैं एकता की मशाल, हम सब मिलकर हाथ में लेते हैं एकता की मशाल, और भारत को बनाते और भी विशाल। आपका राज्य है राजस्थान, आपका राज्य है राजस्थान, लेकिन लोकसभा की आप बन गए हैं जान। भारत की हमें बढ़ानी है शान, भारत की हमें बढ़ानी है शान, लोकसभा चलाने के लिए आप जैसा परफेक्ट है मैन। तो मेरी पार्टी मुझे आपने मौका दे दिया है, मैं लोकसभा में खड़ा नहीं था इसीलिए मैं इधर नहीं, वो खड़ा होता था तो मैं इधर मेंबर बनता ही था, लेकिन मेरी रिपब्लिकन पार्टी है, मैं मुझे मंत्रालय दे दिया है तो मेरी पार्टी भी मतलब आपके साथ है, मतलब अपने को देश को चलाना है। राहुल जी का बर्थडे आज है, राहुल जी का बर्थडे आज है, कल है क्या? तो ठीक है, नहीं हाँ हाँ, तो मतलब राहुल जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है, और मतलब आपको वहाँ बैठने का मौका मिला इसीलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने बहुत कोशिश की, मतलब लोकतंत्र में होता है कि भाई लोकतंत्र में तो जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है, आपकी सत्ता बहुत साल तक रही, जब आपकी सत्ता थी तब मैं आपके साथ था। लेकिन और चुनाव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है, और इसीलिए ठीक है। तो लोकतंत्र में होता है, मतलब आप लोगों ने भी कोशिश की, मोदी साहब ने कोशिश की, हमने भी कोशिश की, और लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसको मानकर मैं अपोजिशन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिल पास करने के लिए, देश को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए आपकी आवश्यकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि भाई जो भी छोटा दल हो कोई भी हो हम सबका तो सुनेंगे, सबको न्याय देने का काम करेंगे, सभी राज्यों को न्याय देने का काम करेंगे। इसीलिए हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, 5 साल होने के बाद और 5 सीट चलेगी, और बाद में 5 साल चलती रहेगी, मतलब हम इतना अच्छा काम करते रहेंगे, हम अच्छा काम करते रहेंगे तो हमारी सरकार आती रहेगी, हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो तुम आ जाओ तुम आ जाओ, लेकिन हम तुमको जल्दी नहीं आने देंगे। इसीलिए ठीक बात है, मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, और आप जैसा एक अनुभवी आदमी है, आप ज्यादा हंसते नहीं है, लेकिन आप ज्यादा हंसते नहीं है लेकिन मैं आपको हंसाऊंगा। तो फिर एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आप हाउस को अच्छी तरह चलाए और कभी कभी मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। जय भीम जय भारत। श्री मोहन देलकर जी,
अब यार छोड़ो। मैं भी सर आपको धन्यवाद प्रस्ताव में जोड़ता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है और सारे हमारे जितने भी माननीय सदस्य इस पे बोले हैं, मैं भी अपने आप को इस पे जोड़ता हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। सर आपके बारे में सुनने के बाद बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा, जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर बताया कि आपका सरल स्वभाव, आपकी जो कार्यशैली है, जिससे कि ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि इस आपकी कार्यशैली से, आपके सरल स्वभाव से न सिर्फ सदन को फायदा होगा, मैं समझता हूँ कि पूरे देश को फायदा होगा, ये आज बात साबित हो चुकी है। सर हम भी मैं तो निर्दलीय चुन के आया हूँ और जैसे यहाँ सारे लोगों ने गुजारिश की, मेरी भी आपसे गुजारिश है कि छोटे दल हो, निष्पक्ष, अपक्ष हो, उनको भी सर मौका दिया, उनको भी मौका दिया जाए। और सर मैं ये सातवीं बार चुन के आया हूँ इस लोकसभा में और मैं चाहूँगा सर आपसे ये गुजारिश है, मेरी ये विनती है कि जितनी भी सर पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग होती है या सदन में समय देने की बात आती है, अपक्ष जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको भी मौका दिया जाए। फिर एक बार मैं सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेस्पेक्टेड ऑनरेबल स्पीकर सर, I take this opportunity to congratulate you for being elected unanimously to this august body of 7th Lok Sabha, 17th Lok Sabha. India is the largest working democracy in the world and you are holding the highest position in this august legislative body of India. Sir, I wish you every success in this highest legislative body of this country. Discharging your responsibilities as custodian and presiding officer of this body. Sir, as we all know, being a speaker is not a very easy job. While it is a highly prestigious position, it can also be a crown of thorns. The standards set by our founding fathers for a speaker is quite high. Thank you. Sir, you are an experienced parliamentarian, both in the state legislature as well as in the Lok Sabha. Thank you. So, I am sure that you will be able to discharge your responsibilities in the House in the true interest of the entire nation. Also, I am sure that you will be able to protect the interest of all members, irrespective of their party affiliations. Sir, as was already mentioned here, ours is a multi-party democracy system. Ours is a small party from Kerala, the far south. We expect that we all get, whether it is a larger party or belonging to a larger party or a smaller party, we all get the same consideration from you for discharging our duties and representing the people of Nama India. Kumar. Sir, once again, I congratulate and congratulate and assure you the wholehearted support from my party and myself. Thank you, sir. श्री नमा कुमार सरानिया जी। थैंक यू सर। मैं और मेरे सत्र की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामना। मैं दोबारा निर्दलीय सुन के आया हूँ, हमारा सत्र को लोगों भी लगता है, हमको भी मौका मिलना चाहिए और संरक्षण मिलना चाहिए और हम कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा जो मुद्दा उसको उठाने के लिए आप मौका देंगे, इसके साथ आपको धन्यवाद देता हूँ। पी आर नटराजन, थैंक यू सर, the opportunity given by you to greet you as unanimously elected speaker of the 17th Lok Sabha. You had an experience of more than 25 years in the legislative assembly as well as in the Lok Sabha too. Our request is, as correctly pointed out by honorable member of RSP, he has quoted the quotation of
Jawaharlal Nehru regarding the post of the Speaker, and we expect that the equality must be maintained, the tradition of the House also maintained by you. I expect the majority, we had an experience with the majority with the late our leader Rajiv Gandhi in the same Lok Sabha also. The majority alone will not decide. The majority alone will give you so many trouble. That is science. Let us wait and see. Thank you, sir. Sri K. Subbarayan. Speaker, sir. Thank you for this opportunity given by you. I also welcome you to the chair. My humble request, request you to please save the democratic method and parliamentary democracy system. I am very happy to greet you. My heartiest wishes to you. Thank you, sir. माननीय प्रधानमंत्री जी, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण, सभी राजनीतिक दल के नेतागण, सभी माननीय सदस्यगण, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मेरे प्रति किए गए आप सभी के समर्थन के लिए मैं हृदय के अंतकण से आभार व्यक्त करता हूं। इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए मेरे ऊपर विश्वास जताने के लिए मैं सभी दलों का धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं माननीय प्रोटम स्पीकर, उनकी प्रोटीम वीरेंद्र सिंह जी, सुरेश जी, मेहताब जी, ब्रजभूषण जी और उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दो दिन तक इस सदन की कार्रवाई को बेहतरीन ढंग से चलाया। मैं देश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में देश की जनता ने पूरी उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ इस यज्ञ में आहुति दी। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं और जनता की अपेक्षाएं भी हैं। सदन में जब माननीय सभी सदस्यगण ने अपने अपने विचार रखे, मैं भी 2014 से 19 तक आपके बीच का एक सदस्य रहा हूं। मैं जानता हूं कि लाखों मतदाताओं से विश्वास भरोसे के साथ हम इस संसद के मंदिर में आते हैं और संसद मंदिर में आने के बाद हमारे क्षेत्र की जनता, पूरे देश की जनता का यह विश्वास भरोसा रहता है कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति की बात सदन के माध्यम से करेंगे। और जो सभी दलों ने विश्वास व्यक्त किया है, ये पीठ, ये सभापति की कुर्सी निष्पक्ष होनी भी चाहिए और निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। मेरा प्रयास होगा कि मैं हर मान्य सदस्य, चाहे वह एक दल का हो, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या का हो, और इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम संख्या के बल पर आधार पर नहीं, हम इस देश के अंदर सबको विश्वास को लेकर चलना चाहते हैं। ये देश वो देश है जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे बड़े लोकतंत्र में होने के बाद जिस तरीके से निष्पक्ष रूप से
और पारदर्शिता तरीके से हमारे यहां इस लोकतंत्र के उत्साह को मनाया जाता है, जिस उमंग और उत्साह के साथ तपती धूप के अंदर घंटों इंतजार करने के बाद लोग मत देकर हम सबको चुनकर भेजते हैं, इस विश्वास भरोसे के साथ भेजते हैं कि हम उनके बुनियादी सवालों को उठाएंगे, उनके अभावों को उठाएंगे। और पिछली बार सरकार ने उनके विश्वास भरोसों को कायम रखा और इसीलिए पुनः सरकार को अधिक संख्या बल के आधार पर देश की जनता ने फिर विश्वास भरोसे जताया है और इसीलिए अब सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस तरीके का विश्वास भरोसा देश की जनता ने सरकार पर व्यक्त किया है, मैं निश्चित मानता हूं सरकार की जवाबदेही ज्यादा बनती है। मेरी सरकार से भी अपेक्षा रहेगी कि वह अधिक जवाबदेही से, अधिक पारदर्शिता से इस देश के अंदर काम करे ताकि हम एक देश के अंदर मिसाल कायम कर सके। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सब लोग जो चुनकर आते हैं, आप सबका एक ये मंच, ये लोकतंत्र का मंदिर है और आप अपने बुनियादी सवालों को, बुनियादी बातों को जो जनता आपके बीच में कहती है, सदन के माध्यम से देश को भी अवगत कराना चाहते हैं, अपनी जनता को भी अवगत कराना चाहते हैं। मेरा आपसे आग्रह है लेकिन कि कई बार मैं सदन में देखता हूं कि ऐसे बुनियादी सवाल जो केंद्र सरकार के या सदन के अनुकूल नहीं है, उन सवालों को भी संसद में उठाया जाता है। मैं सभी माननीय सदस्यों से कोशिश करूंगा कि हमें लोगों ने संसद सदस्य के रूप में चुनकर भेजा है और संसद सदस्य के चुन के रूप में भेजने के कारण हमें हमेशा वो सवाल उठाना चाहिए जो देश की सरकार के प्रति है। और मेरी सरकार से भी आग्रह रहेगा कि सरकार भी हर माननीय सदस्य का, जो चाहे शून्यकाल में हो चाहे प्रश्नकाल में हो, जवाबदेही के साथ जवाब देगी और आपकी भावनाओं को पूरा पूरा ध्यान रखेगी। मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भरोसा देश की जनता ने हमें दिया है, आप सब लोग, हम सब के नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर हैं, मेरी भी कोशिश होगी कि मैं आप सबका संरक्षण भी करूं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी खुद ने कहा है कि मैं सभी जिन्होंने मुझे वोट दिया, वह भी जिन्होंने नहीं दिया उनमें भी, और सबके विचार धारा अलग हो सकती है, सबकी नीतियां भी अलग हो सकती है, लेकिन हम सब यहाँ सदन में इसलिए आए हैं कि हमारा देश समृद्धशील बढ़े, आगे बढ़े। आज दुनिया के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर भारत की एक बड़ी मिसाल बनी है, तो हम सबको इस सदन के माध्यम से कोशिश होना चाहिए कि हम संसदीय मर्यादाओं में रहकर जिस तरीके से हमारा लोकतंत्र पूरे विश्व में माना जाता है, हमारी संसदीय परंपरा भी पूरे विश्व में लोग मिसाल कायम रखे, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य इस जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, मैं आप सबकी जिम्मेदारी को ठीक से निर्वहन कर सकूं, निष्पक्ष रूप से, निर्बाध रूप से सदन चलाने में आप मेरा सहयोग करेंगे। आप निश्चित मानिए आप सदन में कितनी भी संख्या में कम होंगे, लेकिन आपके हर बुनियादी बातों को संरक्षण करने की मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं निश्चित रूप से निभाने की कोशिश करूंगा। वंदे मातरम। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह मंत्रिमंडल का परिचय करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपसे और आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन से अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों का परिचय कराना चाहता हूं। कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री श्री अमित शाह, गृह मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी,
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्री रामविलास पासवान, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री और अर्थ साइंस मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री श्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी, माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्री श्री अरविंद गणपत सावंत, हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज मंत्री श्री गिरिराज सिंह, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार, श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राव इंद्रजीत सिंह, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री श्रीपद यशो नायक, आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राजकुमार सिंह, विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सिविल एविएशन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री मनसुख एल मांडविया, शिपिंग मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री फगन सिंह कुलस्ते, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अश्विनी कुमार चौबे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज मंत्रालय में राज्य मंत्री, जनरल रिटायर्ड वीके सिंह रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री कृष्णपाल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री दानवे राव साहेब दादाराव कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तम रूपाला कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री रामदास आठवले सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय में राज्य मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री बाबुल सुप्रियो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री संजीव कुमार बालियान पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री धोत्रे संजय शामराव मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री अंगादी सुरेश चन्ना बासप्पा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री रतनलाल कटारिया जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री वी मुरलीधरन विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती रेणुका सिंह सरूता ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री रामेश्वर तेली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री प्रताप चंद्र सारंगी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मंत्रालय में राज्य मंत्री और पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री कैलाश चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, सुश्री देवाश्री चौधरी महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। धन्यवाद। महासचिव जी, बिहार के श्री संतोष कुमार जी, मैं संतोष कुमार जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। सभा की कार्रवाई कल दिनांक 20 जून 2019 को महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पूर्ण होने के आधे घंटे पश्चात पुनः समवेत होने तक स्थगित की जाती है।